हेलो सर, मून एंड राइजिंग स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। टाइमलेस मींस कि जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे या से रेजोनेट करेगा, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। कलेक्टिव मैसेज है ये, जितना रेजोनेट करे उतना लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल लिंक चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो लेट्स सी के स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। फॉर स्कॉर्पियोज, व्हाट आर स्कॉर्पियोज पर्सन करंट फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड फेल डाउन, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है स्कॉर्पियोज। आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं दो लोगों में, या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। अगर दो लोग नहीं भी है ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। लेट्स सी वन मोर मैसेज, एक और मैसेज क्या है आपके पार्टनर की, स्कॉर्पियोज के पार्टनर की थिंकिंग के हवाले से। वन मोर मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट स्कॉर्पियोज पर्सन थिंकिंग। वो क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियोज के लिए, स्कॉर्पियोज के पार्टनर स्कॉर्पियोज के लिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे दो कार्ड फेल डाउन हुए हैं। सो यस, वो आपकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद आप इमोशनली वर्कआउट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, इसलिए वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार है और वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं, वो किसी कन्वर्सेशन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, और या तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है और वो पीस ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन या ड्रामा नहीं चाहते। सो इसलिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है और विजडम से सोच विचार में है, सोच विचार में या सोच समझ के कोई ना कोई स्टेप्स रिलेशनशिप के हवाले से लेना चाहते हैं। और अगर वो आपसे इमोशनली डिटैच भी हो रहे हैं तो ये भी उनका एक फैसला है, शायद उन्होंने ये फैसला लिया है। लाइक ये फैसला लिया तो नहीं है, उनको ये बेहतर लगता है, लाइक ये दिस इज़ नॉट देयर डिसीजन, ठीक है, लेकिन वो ये उनका फैसला नहीं है, बट वो अपने विजडम से सोचना चाहते हैं, अपने विजडम से सोच सोच के स्टेप्स ले रहे हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। इमोशनली भी वो उनको लगता है कि आप उनसे डिटैच हो रहे हैं और ये सोच कर वो भी डिटैच फील कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके मैसेज का और कॉल टेक्स्ट का वेट ज़रूर कर रहे हैं, और वेटिंग पीरियड है ये। उससे पहले वो खुद से कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते जब तक आपकी तरफ से कुछ सुन ना लें। सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। हो सकता है उनके सामने दो तीन ऑप्शंस हों जिनको वो कंसिडर करने के बारे में सोच रहे हों, लेकिन वो जब तक आपकी तरफ से कुछ कोई न्यूज़ नहीं सुन लेते, आपकी तरफ से कोई बात नहीं सुन लेते, लाइक आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, वो सब कुछ वो जान नहीं लेते, उस वक्त तक वो अपना कोई डिसीजन नहीं लेंगे। सो लेट्स सी के यहाँ पर वाई दिस टू ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, वाई दिस टू ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। यहाँ पर स्कॉर्पियोज के पार्टनर की थिंकिंग में टू ऑफ पेंटिकल क्यों है। सो हो सकता है वो अपने फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, उनके फाइनेंसिस भी पूरे नहीं हैं, किसी चीज़ के लिए उनको अपने फाइनेंसिस की ज़रूरत है, और या अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं पहले। यस, तभी वो आपसे आइसोलेटेड और डिटैच हैं, क्योंकि उनके पास अभी फाइनेंसेस नहीं है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे इमोशनली वर्कआउट कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। व्हाई दिस एट ऑफ कप इज हेयर, व्हाई दिस एट ऑफ कप इज हेयर। फॉर स्कॉर्पियोज पार्टनर एट ऑफ कप इज हेयर, तो अगेन से यहाँ पे हर्मिट कार्ड ने इस चीज़ को ओके, उनको लगता है कि दे हैव क्लैरिटी दैट दिस रिलेशनशिप इज़ एंडिंग। उनको ये क्लैरिटी मिल रही है कि ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है, इसमें लाइक बहुत बुरी तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हुआ, और ही इज़ कटिंग यू ऑफ फ्रॉम देयर योर लाइफ। उनको लगता है कि आपकी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आती, आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आप उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं देते, आप उनसे कोई सॉलिड बात नहीं करते, तो मे बी वो आपसे मूव ऑन करने के हवाले से सोच रहे हैं और एंड करने के हवाले से सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर एंडिंग्स तो हो रही हैं बट कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, ये उनकी सोच है। दे आर थिंकिंग लाइक दिस।
सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है. उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का कि चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं. ये जो भी सिचुएशन है ये एंडिंग की तरफ जा रही है. इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर देम. लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है. क्लोज्ड ऑफ, वो अपने इमोशंस को आप तक शो नहीं करेंगे, या उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी तरफ से कि शायद आप वापस उनकी लाइफ में नहीं आएंगे, उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, इस वजह से वो वर्कआउट कर रहे हैं. और हो सकता है अपने फाइनेंसिस को सिक्योर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंसिस जमा कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं इस वक्त में, अपने आप को स्टेबिलिटी में लाना चाहते हैं. यस, उनको लगता है कि कुछ फाइट्स हैं, कुछ अननेसेसरी फाइट्स, मैनिपुलेटिव एनर्जी है. लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, उनको मैनिपुलेट किया, या फिर लोगों की वजह से, लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से, लोगों की मिसगाइडेंस की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है ये रिलेशनशिप. और वो स्टिल उनको लगता है कि ये डैमेज ही हो रहा है. ईगो में आकर कुछ ऐसी बातें जिसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ना आप ना वो, और ये रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, वो ये समझ रहे हैं. और उनको लगता है कि स्टिल नेक्स्ट सेक्शन भी यही हो सकता है कि स्टिल इस कमिटमेंट को हासिल करने के लिए बहुत फाइट और अभी बहुत झगड़े फसाद बाकी हैं. हो सकता है वो फाइट करें अपने लिए, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए और वो आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में फॉर कमिटमेंट. आपकी तरफ से कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करेंगे. वो कोई एक्शन या कम्युनिकेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर करेंगे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के हवाले से. सो दैट वॉज योर रीडिंग. इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो. लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.